बात करेंगे बिटकॉइन की एनालिसिस प्लस, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 8% टोटल ऑल्ट मार्केट के अंदर यहाँ पे मनी गायब है। बिटकॉइन की प्राइस 21,489 डॉलर जो है अभी के टाइम पे चल रहा है। क्या कुछ अपडेट है एंड क्या अभी की टाइम पे ऑल्ट के अंदर एक एंट्री जोन बन रहा है या बिटकॉइन एंड ईटीएस के अंदर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। ऑल्ट कॉइन पूरा रेड जोन के अंदर यहाँ पे जा चुका है एंड यहाँ पे क्यों ऐसा पोजिशन हम लोग को देखने को मिला, जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर पहले बार विजिट कर रहे हैं या तो आप लोग अगर मेरे पुराना यूजर है आप लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो अगर देखेंगे तो बिटकॉइन के ऊपर लगभग हमने 3 दिन पहले जो है आप लोग को वीडियो दिया था बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन रैली, एंड उसमें जो है हमने लगभग यहाँ पे 20,700 तक प्रेडिक्ट जो है इस वीडियो के अंदर किया था। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा तो अपना फंड जो है आप लोगों ने सेव कर लिया होगा। तो देखिए मेरे चैनल के ऊपर मैं जो भी वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ बहुत ही सोच समझ के यहाँ पे बनाता हूँ। लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो को नहीं देखते तो वो थोड़ा यहाँ पे कंसर्न है, लेकिन फ्रेंड्स देखिए हमारा जो यूजर है वो अभी के टाइम पे यहाँ पे सेव है एंड एक जोन के अंदर यहाँ पे बाइंग करने के लिए बहुत तैयार है, क्योंकि 3 दिन पहले हमने आप लोग को अपडेट दिया था एंड यहाँ पे कल की वीडियो के अंदर भी हम लोगों ने अपडेट दिया था बिटकॉइन के ऊपर एंड यहाँ पे कुछ बड़ा हो सकता है जिसके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया था। तो चलिए आज की वीडियो में क्या कुछ अपडेट है जिसके ऊपर बात करेंगे, चार्ट के ऊपर क्या पैटर्न बन रहा है, क्या यहाँ से जो है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या कुछ देखने को मिल सकता है जिसके ऊपर डिस्कशन करेंगे एंड ऑल्ट कॉइन के अंदर क्या अभी के टाइम पे एंट्री ले सकते हैं नहीं ले सकते जिसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग मार्केट की जो एनालिस है डेली एनालिस हम लोग यहाँ पे देखते हैं टोटल मार्केट के। आप यहाँ पे जो है एस्टरडे से यहाँ पे टूडे थोड़ा सा कम हुआ है, 1 ट्रिलियन तक मार्केट के आप यहाँ पे आ चुका है जिसे हम लोग यहाँ पे बात करें। एंड ट्रेडिंग वॉल्यूम टोटल अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो 86 बिलियन यहाँ पे हो चुका है, एस्टरडे यहाँ पे 64 बिलियन तक यहाँ पे था। तो इनफ्लो डाटा जो है यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, मतलब यहाँ से जो है एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो बड़ा मूवमेंट तो ऑलरेडी जो है हम लोग को देखने को मिल चुका है जो डंप यहाँ पे हुआ है। फियर एंड ग्रीडी की इंडेक्स 33 तक यहाँ पे आ चुका है बिटकॉइन सेलिंग एंड प्लस अगर आप लोग देखेंगे बिटकॉइन 8% इथेरियम जो है 8%। तो इथेरियम यहाँ पे ऑल्ट मार्केट को लीड करता है एंड इथेरियम के अंदर अगर डंप आता है तो ऑल्ट मार्केट में ऑब्वियसली यहाँ पे डंप आ ही जाता है। तो सबसे पहले वजह हम लोग यहाँ क्या है जो जिसके अंदर मार्केट यहाँ पे डंप हुआ, सबसे बड़ा वजह जो है अभी के टाइम पे HUSD जो ये स्टेबल कॉइन है इसके अंदर जो है डीप एक यहाँ पे हुआ है। जैसे हमने पिछले वीडियो के अंदर भी आप लोगों को बताया था क्योंकि मार्केट यहाँ पे जो है थोड़ा सा डंप तो लेना चाहता है लेकिन कोई वजह तो होना चाहिए जो यहाँ पे डंप करे। तो ये जो है पूरा मतलब मिली भगत ये जो पूरा कहानी है ये लोग बनाते हैं एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो कल के दिन यहाँ पे डीप एड हुआ लगभग 0.84 सेल तक यहाँ पे जो है डीप एड होकर आ गया, क्योंकि ये एक स्टेबल कॉइन है एंड इसका जो प्राइस है लगभग $1 यहाँ पे रहना चाहिए, लेकिन वो अभी के टाइम पे अगर आप लोग देखेंगे तो इतना डॉलर मतलब यहाँ पे इतना परसेंट डाउन होने के बाद फिर से यहाँ पे स्टेबल हुआ। तो ये डाउन हुआ क्यों और स्टेबल हुआ क्यों, तो इसको जो है सोचने वाली बात है एंड ये होता है मैनिपुलेट। तो जिसके ऊपर जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंड यहाँ पे क्या एक्सचेंज क्रिएट इमेजिन बिटकॉइन टू डंप प्राइस क्रिप्टो प्लेटफॉर्म एक्सचेंज आंसर, तो यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि क्या एक्सचेंज जो है यहाँ पे मैनिपुलेट करके प्राइस को डंप कर रहा है, ये सही बात है एंड इसको जो है बिल्कुल भी मैनिपुलेट किया जा रहा है मार्केट के अंदर जो है एक्सचेंज की तरफ से एंड ये सारे जो एक्सचेंज है वो मिलजुल के इसको जो है यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें फंडिंग रेट को, तो फंडिंग रेट अभी के टाइम पे जो है नेगेटिव जोन के अंदर है, लोग यहाँ पे जो है बियर कंडीशन के अंदर यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है जब लोग यहाँ पे बियर चाह रहे हैं तो यहाँ पे जो है बुलिश जाएगा, क्योंकि देखिए एक्सचेंज की यहाँ पे बहुत हाथ होता है, ये सारे चीज जो है सारे मैनिपुलेट जो है ये एक्सचेंज यहाँ पे करते हैं। तो जिसके ऊपर हमने ऑल्ट कॉइन एंड बिटकॉइन के ऊपर आप लोग को वीडियो दिया था, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं जिसमें हमने बात किया था। नेक्स्ट अभी बात करें ये तो अभी यहाँ पे स्टेबल होने जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो डीप एट हुआ था उसी बात में ये अभी स्टेबल होने के लिए जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट के ऊपर चलते हैं एंड यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एंड आप लोग को ये सारा न्यूज जो है हमने दे दिया, तो सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर जाते हैं एंड हमने जो है यहाँ पे प्रेडिक्शन किया था 20,700 तक यहाँ पे जा सकता है प्राइस। तो अभी की प्राइस को अगर आप लोग यहाँ पे बिटकॉइन की देखेंगे तो लगभग ये जो प्राइस है 21,000 तक लगभग यहाँ पे टच हो चुका है एंड 21,700 जो है ये प्राइस तक यहाँ पे आ सकता है जैसा हमने प्रेडिक्शन किया था। एंड यहाँ पे एक और चीज़ मैं फ्रेंड्स बता दूँ जिसके ऊपर हमने बार बार आप लोग को यहाँ पे बोला था, ये जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे तो Gen 18 से जो है लगभग यहाँ पे प्राइस जो है हायर हाई ये बना रहा है, जिसके ऊपर हम बार बार वीडियो के अंदर आप लोग को बताया था। एंड यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे
तो ये जो पोजीशन था ये जो है हायर लो की पोजीशन था, एंड यहाँ पे जो है पूरा कंफर्म हो जाएगा अगर यहाँ पे 20,700 को यहाँ पे बिटकॉइन ब्रेक करता है मतलब डाउन साइड में, तो आप लोग इसको सोच लेना कि बिटकॉइन प्राइस लगभग यहाँ पे 17,000 तक यहाँ पे टच कर सकता है, क्योंकि देखिए ये एक रैली जो है यहाँ पे चला था, हायर आई हायर आई हायर आई, एंड यहाँ से अगर ब्रेक करता है ये जो जोन है इसको आप लोग को देखना है। एंड हमने इसीलिए बोला था कि 20,700 जो है एक बाइंग जोन आप लोग के लिए हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे अगर प्राइस है तो थोड़ा सा आप लोग बाय करना। हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे कि यहाँ पे 20,800 जो है, हम लोग यहाँ पे सोचा था कि 22,800 जो है यहाँ पे सपोर्ट ले पाएगा, क्योंकि काल की वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि ये जो जोन है इसको यहाँ पे ब्रेक करना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए वीकेंड अभी के टाइम पे आ रहा है, तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिल गया डाउन साइड में तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न हो सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, तो 21 EMA तो जिसके ऊपर हमने काल की जो वीडियो बनाया था, तो ये जो पोजीशन प्राइस चल रहा था 23,300 ये जो प्राइस यहाँ पे चल रहा था, तो एंड हमने काल की वीडियो में बताया था कि 21 को अगर यहाँ से ब्रेक करके अपसाइड की मूवमेंट लेता है तो यहाँ से थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है, एंड अगर यहाँ से ब्रेक नहीं कर पाता है तो यहाँ पे 200 EMA 200 जो है ये रेड एरिया जो है हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो इसको यहाँ पे जो है टच कर सकता है। एंड हमने काल की वीडियो में बात किया था 22,800 समथिंग अगर प्राइस रहता है तो यहाँ पे एक अच्छा बात हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जो है ये एक सपोर्ट ले रहा है लगभग यहाँ पे 22,700 जो ये जो जोन है, तो यहाँ पे जो है बिटकॉइन प्राइस यहाँ पे रुका नहीं एंड यहाँ से जो है सडन ब्रेक किया। एंड यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल मैनिपुलेट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इतना दिन तक यहाँ पे टेस्ट कर रहा था एंड यहाँ पे प्राइस डंप नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये बिल्कुल मैनिपुलेट है एंड यहाँ पे एक्सचेंज की तरफ से मैनिपुलेट किया गया है एंड यहाँ पे डंप किया गया है, प्राइस को जानबूझ के यहाँ पे डंप किया गया है, डीपेड किया गया है, ये सब जो है साजिश है एंड इसको आप लोग को समझना है, इसी को ही तो ट्रेडिंग बोलते हैं एंड यहाँ पे ही ट्रेडिंग किया जाता है, तो आप लोग को ये सब समझना पड़ेगा, नहीं तो आप लोग यहाँ पे ऐसे ही लॉस जो है यहाँ पे करते रहेंगे, जिसके ऊपर हम तो यहाँ पे डेली रेगुलरली अपडेट आप लोग को देते रहते हैं। तो अभी के टाइम पे देखिए मेन जो थिंग है 20,700 इसको अगर यहाँ से ब्रेक करता है डाउन साइड में तो आप लोग यहाँ पे सोच लेना कि 17,000 जो है एक प्राइस यहाँ पे दोबारा जो है हम लोग को देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ से अगर टच करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट लेता है फिर से जो है ये जो ट्रेंड लाइन है ये फिर से जो है इसको एक रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे देखेगा एंड यहाँ पे जब तक ब्रेकआउट होके अपसाइड की मूवमेंट नहीं लेगा फिर से जो है ये एक दिक्कत पैदा कर सकता है। तो ये है पूरा फंडा बिटकॉइन के अंदर एंड वीकेंड यहाँ पे खत्म हो रहा है, तो जिसके ऊपर अभी तो आज चलिए आज तो शुक्रवार है, शनिवार रविवार यहाँ पे आता है तो उसके बाद में जो है हम लोग इसके ऊपर डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी की मोमेंट है 20,700 एंड इसको आप लोग को यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं, क्योंकि काल की वीडियो में हमने क्या बताया था आप लोग को, यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स, तो इसको आप लोग को देखना है। 200 EMA के पास ये था, अभी अगर देखेंगे तो ये लगभग यहाँ पे हाई हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि FMCO की जो यहाँ पे मीटअप होने वाला था तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है ये लगातार यहाँ पे हाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस को स्टेबल करने के लिए एंड जो इन्फ्लेशन रेट यहाँ पे बढ़ा है उसको स्टेबल करने के लिए ये जो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे बढ़ाते रहेंगे, ये जो न्यूज आया इसकी वजह से ये जो प्राइस है स्पाइक किया एंड ये प्राइस स्पाइक करेगा तो बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पे डाउन जाएगा, सारे जो ऑल्ट कॉइन डाउन जाएगा, प्लस आप लोग को शेयर मार्केट के अंदर भी आप लोग को इसका जो है भनक देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया था, तो ऐसा नहीं है कि अभी हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग को पिछले वीडियो में भी हम लोग बात किया था। नेक्स्ट अभी बात करते हैं ऑल्ट कॉइन के ऊपर, ऑल्ट कॉइन के ऊपर आप लोग को अभी के टाइम पे एंट्री लेना है या नहीं लेना है, तो चलिए अभी ऑल्ट कॉइन की मार्केट के आपको देखते हैं। देखिए काल के वीडियो में हमने इसके ऊपर भी बात किया था एंड यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के अंदर जो है एंट्री लेने का सही टाइम जो है ये लगभग यहाँ पे आ चुका है, जो हम हमारे जो चार्ट के अंदर यहाँ पे दिख रहा है लगभग 597 बिलियन जो है एक ऑल्ट कॉइन की एंट्री लेने की टाइम है। एंड यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक जो है जोन जो है ये जो है सपोर्ट जोन है, अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है लेकिन देखिए कोई इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग यहाँ पे जानना चाहते हैं तो जिसके लिए वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता है, तो आप लोग जो है वीडियो को नहीं देखते तो इसके ऊपर जो है ज़्यादा हम लोग यहाँ पे डिस्कशन अभी के टाइम पे इसके ऊपर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते। एंड यहाँ पे देखिए ये अभी सिचुएशन क्या है, ऑल्ट कॉइन की प्राइस लगभग 600 बिलियन से यहाँ पे डाउन जा रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन है एंड इसको भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, तो थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे वेट कीजिए 300 EMA तो यहाँ तक मेरे को लगता है टच कर सकता है, क्योंकि लगभग 576 बिलियन जो है ये एक जोन है, अगर यहाँ पे ऑल्ट कॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे आ जाता है तो आप लोग एक ऑल्ट कॉइन के अंदर यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कौन सी ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री लेना है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बनाया है, उस जो मेन कॉइन है जो मार्केट कैप के अंदर अगर आप लोग देखेंगे ये जो टॉप 100 की कॉइन है जिसके अंदर आप लोग यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं अभी के टाइम पे, अगर आप लोग देखेंगे
पॉलीगन के अंदर जो है अभी के टाइम पे एंट्री नहीं लेना है, तो पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ, पॉलीगन के अंदर ऑलरेडी जो है हमने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर चुके हैं। इथेरियम क्लासिक जो है अगर आप लोग को डाउन ट्रेंड में मिलता है तो इसको थोड़ा सा आप लोग ऐड कीजिएगा, चेन लिंक को थोड़ा सा ऐड कीजिएगा। एंड यहाँ पे अगर नेक्स्ट कॉइन की बात करें अलगो को जो है आप लोग जरूर थोड़ा सा ग्राफ करके बाय कीजिएगा, इसके अंदर कोई पंप नहीं है। बी चेन के अंदर आप लोग बाय कीजिएगा। एंड आईसीपी जो है 50-50 आप लोग इसको बाय आपका ऊपर है, आप लोग अगर बाय करना चाहे, लेकिन आईसीपी भी आप लोग को एक अच्छा खासा मजबूत कॉइन यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन एपी कॉइन भी आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ कॉइन के अंदर जो है थोड़ा बहुत एंट्री मतलब 50% से लेके 25% तक आप लोग यहाँ पे ले लीजिएगा। थोड़ा सा एक और डंप अगर हम लोग को देखने को मिलता है 20,700 तक अगर, ठीक है, तो क्योंकि देखिए यहाँ पे 300 ई एम ए जैसे यहाँ पे टच होगा लगभग 577 बिलियन, तो ये यहाँ से दिख रहा है। अगर यहाँ से थोड़ा सा ऑफसाइड मूवमेंट लगा तो ये जो जोन है आप लोग को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोग जो है यहाँ पे एक बाइंग जोन बना सकते। तो ये जोन जो है आप लोग यहाँ पे देखिए 567 बिलियन, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट टच होता है तो ऑल्ट कॉइन के अंदर आप लोग को एंट्री लेना है, या तो यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा ऑफसाइड की मूवमेंट लेता है 599 बिलियन 600 बिलियन, तो अगर यहाँ तक अगर मार्केट आ जाता है 608 बिलियन तक अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो थोड़ा बहुत जो है रिस्क आप लोग 10% यहाँ पे ले सकते हैं जैसे ऑल्ट कॉइन के अंदर, ठीक है। तो ये जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अगर ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं। हमारे जो कॉल था अगस्त मंथ के अंदर जो सारे कॉइन के अंदर जो है हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के आप लोग को एग्जिट करवाया था, एंड अगर आप लोगों ने उसी कॉइन के अंदर एंट्री लेना चाहते हैं तो दोबारा जो है आप लोग यहाँ पे एंट्री लीजिए, तो कॉइन की क्वांटिटी जो है आप लोग का बढ़ जाएगा एंड जो प्रॉफिट की रेशियो है वो भी यहाँ से बढ़ जाएगा। तो 20,700 ये एक मार्क है अगर आप लोग यहाँ पे बाय करना चाहते हैं बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन के अंदर थोड़ा सा एंट्री जो है आप लोग ले सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो, एंड जहां पे आप लोग को क्रिप्टो मार्केट की अपडेट प्लस आप लोग को बिटकॉइन की एनालिसिस प्लस आप लोग को ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री लेना है या नहीं लेना है थोड़ा सा वेट करना है जिसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो थोड़ा सा मार्केट के अंदर जो है ये सारा कंडीशन है, मैनिपुलेट है, ये बिल्कुल मतलब मार्केट पूरा बुलिश था लेकिन मैनिपुलेट किया गया एक्सचेंज की तरफ से जहां पे जो है इस मार्केट को गिराया गया, लेकिन यहां से जो है मैनुकुलेट होकर ये डाउन नहीं जाएगा। 20,700 जो है ये जोन है, अगर मेरे हिसाब से मेरा जो एनालिस है मैं 20,700 को यहाँ पे देख रहा हूँ, अगर इसको ब्रेक करता है तो 70,000 जो है मेरा बाइंग जोन रहेगा एंड ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री जोन भी रहेगा। तो ये है पूरा स्ट्रैटेजी अभी के टाइम पे मार्केट की सीनरी। तो चलिए फ्रेंड्स ये था आज की वीडियो, अगर वीडियो के अंदर थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन सही लगा है वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही वीडियो जो है आप लोग को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए जय हिंद।